हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्सक्यूज मी प्लीज, और मैं हूँ कृति। हम लोग हैं पटना में और अभी जा रहे हैं कंगन घाट की तरफ। गुरुद्वारा कंगन घाट, जिसे गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह घाट भी बोला जाता है, ये सिखों के लिए एक पूजनीय स्थल है। कंगन घाट श्री हरमिंदर साहिब या पटना साहिब गुरुद्वारा से 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। गुरुद्वारा कंगन घाट सिखों के लिए गंगा नदी के किनारे एक पूजनीय स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वह जगह है जहां बालक गोविंद राय जी के बचपन के चमत्कारों की अमिट याद है। इसी गोविंद घाट पर गुरु जी ने माया को त्याग करने का संदेश देने हेतु अपने सोने का कंगन को गंगा नदी में फेंका था। इसी गोविंद घाट पर गुरु जी ने राम भक्त पंडित शिवदत्त को राम रूप में दर्शन भी दिया था। गुरु जी बचपन में अपने साथियों के साथ गंगा के किनारे इसी गोविंद घाट पर खेला करते थे। और इस घाट पर आ पहुंचे हैं हम लोग। तो हम लोग आ पहुंचे हैं कंगन घाट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से गंगा नदी कितनी साफ और खूबसूरत दिख रही है। और जब से ये एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और पाथवे बना है, गंगा पटना से थोड़ी दूर होती जा रही है, पर इस किनारे पर ये बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसे और नज़दीक से। कंगन घाट के शीर्ष पर गुरुद्वारा के साथ एक प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो गुरुद्वारे का जैसे ऊपरी हिस्सा होता है, उस तरीके का है। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं गंगा को और नज़दीक से। यहाँ सामने कई सारी नावें खड़ी हैं, जिस पर बैठ कर के आप गंगा के उस पार जा सकते हैं जहाँ दियारा है, और वहाँ घूम सकते हैं, या ऐसे भी पटना की गंगा नदी का चक्कर लगा सकते हैं। ये है शाम की भीनी भीनी धूप, और मैं इसमें थोड़े मजे के साथ गंगा का और गुरुद्वारा कंगन घाट का दर्शन कर रही हूँ। और आपको कुछ ज़्यादा भीड़ दिख रही होगी, जो कि यूजुअली इस जगह पर नहीं होती है, पर अभी प्रकाश पर्व चल रहा है, 14 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक चलेगा, और इसके कारण यहाँ पे दुनिया भर से सिख आए हुए हैं। और जब वो गुरुद्वारा घूमने आते हैं तो कंगन घाट के दर्शन करना भी उनके लिए एक अनिवार्य कार्य है। हमने तो दर्शन कर लिया, चलिए अब चलते हैं वापस। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मेला भी आयोजित है, जो शायद मेरे ख्याल से प्रकाश
पर्व के उपलक्ष में ही आयोजित है और लोग जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं या जैसे मैं आ गई यहाँ दर्शन करने, वैसे जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो इस मेले को भी अच्छे से घूम रहे हैं, मज़े उठा रहे हैं। ये है एक खूबसूरत तालाब जो कि इस कंगन घाट और इस गुरुद्वारे की खूबसूरती को और बढ़ाता है। और सामने जो गुरुद्वारा दिख रहा है, ये नया गुरुद्वारा है जो यहाँ बन रहा है, गुरुद्वारा कंगन घाट। ये अभी पूर्णतः बना नहीं है पर इसका कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। एंड आप चाहें तो आप इसके अंदर जाकर के घूम सकते हैं और इसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ अपना वीडियो और हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर।